जो कि फेमस है अरवा टाड़ बांध के नाम से, जो कि काफ़ी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं यहाँ पर आइए, यहाँ की खूबसूरती, एडवेंचर्स, पहाड़, जंगल, नदियाँ, झील, झरना का लुत्फ उठाइए। जो कि हमारे तरह देख सकते हैं वाटरफॉल, जो कि गजब लोकेशन है यहाँ का। यहाँ पे हैं, यहाँ डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ की देख सकते हैं लोग पूजा पाठ वगैरह किए हैं, ये भी डर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना MD आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए दिन एक नए व्लॉग में। सो दोस्तों, कई दिनों के बाद आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और अभी मैं मौजूद हूँ गोवा वाले बीच पे, जो देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। अभी तो अभी मौजूद हूँ मैं अरवा टाड़ में, जो कि अपने गाँव से 15 किलोमीटर दूरी पर है अरवा टाड़ बांध। जो जस्ट पीछे देख रहे हैं यही है अरवा टाड़ बांध, अभी इस तरफ है मैं। और यहाँ का लोकेशन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। तो आज दोस्तों मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ अरवा टाड़ बांध को नहीं, क्योंकि अरवा टाड़ बांध का मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अपने चैनल पे है, जाकर देख सकते हैं वो। तो आज मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ नौगढ़ की दरी को, जो अरवा टाड़ की बांध है, उस दरी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। उसके नीचे जाएंगे हम लोग, नीचे से बहुत ही बेहतरीन लोकेशन आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, एडवेंचर से भरपूर। तो अभी मौजूद हूँ दोस्तों बांध के बिल्कुल इस तरफ, जो कि ये बोला जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड इन माय विलेज, मिनी स्विट्ज़रलैंड है हमारा गांव का, और गोवा वाले बीच से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। चारों तरफ पानी ही पानी देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा घुमा कर दिखाइए सत्यानंद, जो कि देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। इस तरफ खेती होती है और इधर देखिए पानी, बरसात के मौसम में बहुत ही बेहतरीन लोकेशन हो जाता है यहाँ पे। तो आज दोस्तों चलते हैं सीधे दरी पर, क्योंकि आज जो मकसद है हम लोगों का दरी घूमना, दरी के नीचे जाने वाले हैं जहाँ पर पानी गिरता है, वाटरफॉल, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन आता है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरुआत। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। तो अभी दोस्तों फाइनली आ चुके हैं दरी के पास, जो कि देख सकते हैं यहाँ वाटरफॉल गिर रही है, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। जो कि हमारे गांव में, हमारे गांव से नौगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी पर मैंने कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे दरी एक्सप्लोर करने, खासकर मैं दरी एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। देख सकते हैं बहुत ही गहरी दरी है, जो कि बहुत ही डरावनी दरी है। अभी हम लोग इस तरह से जाकर वहाँ पर जाएँगे जहाँ पर वो पानी गिर रहा है, वहाँ पे जाके आपको व्यू दिखाएंगे। आइए चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपना पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं। अभी आइए चलते हैं। पूजा टीजर से हेलो पूजा टीजर कुछ पूछ रहे
यहाँ से देखिए दोस्तों व्यू पड़ता है, बहुत ही जबरदस्त व्यू है यहाँ, जो कि डर लग रहा है यहाँ पर खड़ा होने के बाद। आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ, देखिए कितना गहरा है, देख सकते हैं बहुत ही गहरा है, समझ लीजिए बहुत ही डरावना दरी है। हम लोग सोच रहे हैं कैसे उतरा जाए नीचे, जो कि वहाँ वाटरफॉल के पास जाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे जाने के लिए। एक बार देख लेती है, चालू कर चालू है चालू है ना। हाँ तो देखिए अच्छी भी जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी दोस्तों यहाँ आने के बाद हम लोग फंस चुके हैं, जो कि हम लोग सोचे हैं कि वहाँ नीचे उतरेंगे, जो कि वाटरफॉल जो वहाँ दिख रहा है, वहाँ दिखाइए जो वो वाटरफॉल दिख रहा है, पानी जो गिर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ हम लोग सोचे थे जाने के लिए, लेकिन नीचे उतरना मुश्किल है, जो कि हालत ख़राब हो जाएगा नीचे। अगर मान लीजिए किसी भी तरह हम लोग यहाँ से उतर गए नीचे तो देख सकते हैं, लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कोई है वो नहीं कि हम लोगों को ऊपर चढ़ाए, क्या हुआ है यहीं पर हम लोग अटके रह जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हैं, यहाँ डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं लोग पूजा पाठ वगैरह किए हैं, तो ये भी डर रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ पे नीचे तो नहीं जा पाएंगे, हाँ अब चलते हैं एकदम नीचे, जो कि जहाँ पानी ये गिर रहा है वहाँ से आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ पर। चलिए चलते हैं वहाँ पर। अभी दोस्तों उतरने का प्रोसेस कर चालू हो गया हम लोगों का, यहाँ से उतरे हैं, यहाँ खड़ी चढ़ाई पर हम लोग अब नीचे उतरने वाले हैं, तो बहुत ही आइए बने रहे हैं आप सभी लोग। आप लोग देख सकते हैं कि कितना, अगर इस जंगल में शेर भालू आ गया तो समझ लीजिए हम लोगों का चूरमा बना देगा, क्योंकि भागने लायक कोई जगह नहीं है और हथियार भी नहीं साथ में लिए हैं, बस ऐसे ही हम लोग चल दिए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मेहनत के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों को ऐसा एडवेंचर वीडियो बना रहे हैं आज, आप लोगों के लिए ही रिक्स ले रहे हैं हम लोग। आइए अभी नीचे उतरते हैं। तो जहाँ पर रिक्स होता है वहीं पर फिक्स होता है, समझ आइए, तो लाइफ में रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घसटा मचटा के हम आ रहे हैं, आखिर भी जा रहे हैं दोस्तों इस औरवा टाट दरी में नीचे उतरने के लिए, जो रिक्स लेके हम लोग उतर रहे हैं नीचे, आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत रिक्स है नीचे, अगर आप आ रहे हैं तो काफ़ी दूर से उतरना पड़ता है, लेकिन नीचे बहुत रिक्स है, हम तो कहेंगे कि आप लोग मत उतरिएगा नीचे, क्योंकि हम लोग ये सब साथ में लिए हैं, पानी वगैरह अगर प्यास वगैरह लगा तो पी लेंगे, क्योंकि इस जंगल काफ़ी डरावना जंगल है, ऐसी बात नहीं काफ़ी डरावना जंगल है, लोग नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए वीडियो नीचे से दिखाने के लिए आपके लिए नीचे उतर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में, लेकिन आप लोग मत उतरिएगा हम लोगों की तरफ, काफ़ी रिक्स लेके हम लोग उतर रहे हैं, बस दुआ कीजिए कि सही सलामत उतर जाए नीचे, बढ़िया से घूम लें। दुआ है मेरी रब से, हम उतर रहे हैं इस पर। हंसी भी आ रहा है।
इन हालत खराब हो जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी ऊंची चढ़ाई है जिसको हम लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे। अभी संघर्ष जारी है हम लोगों का, लेकिन अगर इसमें पैर हम लोगों का सरका तो समझ लीजिए कि हालत खराब हो जाएगा हम लोगों का, चुरपुनी मच जाएगा। ये तो पता नहीं किस चीज का पेड़ है सब। फाइनली दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग आ चुके हैं नीचे, जो कि दरी के नीचे आ चुके हैं। लेकिन अभी जो वाटरफॉल जहाँ गिर रहा है पानी, वहाँ अभी उतर जाने में काफ़ी दूर है, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, आप सभी लोगों से मिलते हैं। चलिए आइए इनका इंड कर। सो फाइनली दोस्तों बिल्कुल दरी के पास आ चुके हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है यहाँ का, जो कि मैंने आपको बताया था औरवा टाण में ये दरी है, जो कि डर भी लग रहा है हम लोगों को यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ जो दरी है ये, इसमें मंगर बहुत रहते हैं, क्रोकोडाइल मंगर, जो कि अगर यहाँ पे अगर निकल गए ना तो बचने का चांस हम लोगों को नहीं मिलेगा कि भागे कहाँ, क्योंकि इस तरफ चट्टान ही पूरा है, इधर पानी है, तो मतलब समझ रहे हैं ना, एक तरफ खाई एक तरफ पानी, वैसे जगह रिक्स लेकर, बहुत ही रिक्स लेकर हम लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम दो ही लोग हैं सत्यानंद और हम, नीचे उतना लोग आते नहीं है, उतना क्या हमें लगता है कोई नहीं आता होगा जल्दी, ठीक है। जो कि देख सकते हैं दो तीन लोग ऊपर दिख रहे हैं सिर्फ, जो कि दरी के ऊपर दिख रहे हैं। तो ये दरी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, काफ़ी बार मैंने वीडियो बनाया है बताया हूँ, लेकिन नीचे आकर मैंने वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, तो फर्स्ट टाइम नीचे आया हूँ। तो ये दरी नौगढ़ में पड़ता है, नौगढ़ हमारा गांव है, नौगढ़ से 15 किलोमीटर दूर पर औरवा टाड़ है, औरवा टाड़ में ये दरी है, जो कि फेमस है औरवा टाड़ बांध के नाम से, जो कि काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं यहाँ पर आइए, यहाँ की खूबसूरती, एडवेंचरस पहाड़, जंगल, नदियाँ, झील, झरना का लुत्फ उठाइए, जो कि हमारे तरह देख सकते हैं वाटरफॉल, जो कि गजब लोकेशन है यहाँ का। आइए थोड़ा खड़ा होते हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि बैक कैमरा से आप लोगों को लोकेशन दिखाते हैं यहाँ, यहाँ पे हम हैं। आइए आइए, तो गाइस आशीष जी बिल्कुल आ रहे हैं आप पास में। दोस्तों वाटरफॉल भी आप लोगों को दिखाएं, जो कि काफ़ी मेहनत करके नीचे उतरें, जो कि बहुत ही बेहतरीन लोकेशन था यहाँ का, तो पूरा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएं हम लोग। और सत्यानंद फर्स्ट टाइम नीचे उतरा था, तो कैसा रहा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस सत्यानंद? एक्सपीरियंस आप लोग पूछेंगे तो बहुत खतरनाक था आज का। बहुत खतरनाक था ना, क्योंकि ऊपर से आने में तो मजा आ गया, अब चढ़ना है हम लोगों को। हालत खराब हुआ कि नहीं उतरने में? बहुत ज्यादा क्योंकि एनर्जी नहीं लेकर आए होते तो हम लोग का हालत खराब हो जाता। सब कुछ लेकर आए थे। तो अभी दोस्तों चल रहे हैं ऊपर, तो अभी हम लोगों को चढ़ना है ऊपर, तो काफी ऊपर चढ़ना है, सीधा पहाड़ी है, जो कि चढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आप लोगों से ऊपर, सीधे चढ़। सो अभी फाइनली दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद चढ़ के आ गए हैं ऊपर, देख सकते हैं वहाँ से नीचे से हम लोग एकदम ऊपर आए हैं, तो फाइनली आ चुके हैं ऊपर। तो आज के व्लॉग में दोस्तों आपको इस दरी का ब्यूटीफुल लोकेशन आप सभी लोगों को मैंने दिखाया, तो ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पेंड, अभी जाना है घर, कब 4 बज गया है, जो कि अभी आधा घंटा से ऊपर लगेगा हमको घर जाने में, तो साइकिल से आए हैं, जो कि
हालत ख़राब हो जाएगा अभी 15 किलोमीटर और साइकिल चलाना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, खुदा हाफिज़, बाय बाय।